उलमा तशरीफ़ फरमा होंगे, हम उनकी ज़ियारत भी करेंगे और उनके खिताबात से मुस्तफीद भी होंगे। इस वक्त हमारे जामिया के सीनियर उस्ताद उल उलमा हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद साबिर फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उस्ताद उल उलमा हमारे जामिया के नाज़िम तालीमात हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद कासिम चिश्ती सियालवी तशरीफ़ फरमा हैं। उस्ताद उल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद हामिद साहेब नुशाही तशरीफ़ फरमा हैं। उस्ताद उल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जाहिद साहेब, उस्ताद उल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर कादरी साहेब तशरीफ़ फरमा हैं। शोबा हिफ्ज़ के हमारे उस्ताद गिरामी उस्ताद उल हुफ़्फ़ाज़ जनाब मुख्तरम कारी साहेब तशरीफ़ फरमा हैं। दिल्लु शर्की से हमारे भाई उस्ताद उल हुफ़्फ़ाज़ उस्ताद उल कुर्रा जनाब कारी सगीर अहमद साहेब, उस्ताद उल हुफ़्फ़ाज़ दिल्लु शर्की में हमारी जो शाख है उसका उसके उस्ताद हज़रत मौलाना कारी मुनीर अहमद साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और दिल्लु शर्की से माशाल्लाह इन दोनों अहबाब गिरामी की क़यादत में अदीम शान काफिला आया है। वो साथी कुछ वजू कर रहे हैं, कुछ नमाज पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो भी इंशाल्लाह महफिल की ज़ीनत होंगे। आज की इस मुबारक बज़्म का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं और जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद आज़म साहिब से मैं मुल्तमिस हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और आयात बज़्जिनात से हमारे अजहान व कुलूब को मुनव्वर करें और आज की इस मुबारक बज़्म का आगाज़ करें। हमारे शोबा हिफ्ज़ के उस्ताद जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद आज़म साहिब, नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं तलबा से ये गुजारिश करूँगा कि आप थोड़े थोड़े ज़रा खुले होकर बैठें ताकि ये कोरोना का माहौल भी है और गर्मी का मौसम भी है तो आसानी से आप भी बैठ सकें और आपस में बातें भी नहीं करनी। किसी तालब इलम ने आपस में किसी दूसरे तालब इलम से कोई बात नहीं करनी। बेटा और ज़रा हसीब आप खुले हो जाएं, थोड़े खुले होकर बैठें माशाल्लाह, और खामोशी के साथ तवज्जो के साथ महफिल की तरफ आपकी तवज्जो माइक की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए और वो कुरान पाक की तिलावत हो, हुजूर की नाते पाक हो या कोई खिताब, मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ तशरीफ़ फरमाएं।